नमस्कार, मैं हूं देवांजली मोइत्रा। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संबंध बेहद खराब और तल्ख हो गए हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाक स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। सरकार जहां कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लेते हुए कहा कि देश की सैन्य ताकत को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। और मेरे प्यारे देशवासियों, यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। उधर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारी दबाव के बीच अपने घर से बाहर निकलकर कहा कि अगर भारत कार्रवाई करता है तो इस्लामाबाद भी इसका जवाब देगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। हम आपको बता दें कि 1947 में भारत पाक विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दो युद्ध हो चुके हैं। तो आइए आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत पाक के पास कितनी सैन्य ताकत है। भारत पाक की सैन्य ताकत, IISS के मुताबिक भारत ने अपने 14 लाख सक्रिय सैनिकों के लिए 2018 में $58 अरब का रक्षा बजट पारित किया था, और इसकी तुलना दिल्ली की GDP से करें तो ये 2.1% होती है। वहीं पिछले साल पाकिस्तान ने अपने 6,53,000 सैनिकों के लिए $11 अरब का रक्षा बजट पास किया था, जो इस्लामाबाद की GDP का 3.6% है। इसे 2018 में $10 लाख की सैन्य मदद भी मिली थी। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के मुताबिक 1993 से 2006 के बीच पाकिस्तान ने अपनी सेना पर अपनी बजट का 20% से अधिक का हिस्सा खर्च किया है। अगर रिसर्च की रिपोर्ट की माने तो 2017 में सरकारी खर्च में 16.7% हिस्सा सेना पर खर्च किया। वहीं पाकिस्तान के मुकाबले भारत ने उसी समय में अपने खर्च का 12% हिस्सा डिफेंस पर खर्च किया, जबकि 2017 में ये 9.1% था। मिसाइल और परमाणु हथियार, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की माने तो दोनों देश यानी कि भारत पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होता है। भारत के पास 9 तरह की ऑपरेशनल मिसाइलें हैं, जिनमें अग्नि 3 भी शामिल है, जिसकी मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम चीनी मदद से तैयार किए गए हैं, जिसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज के हथियार हैं, जो भारत के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। शाहीन 2 इसकी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। SIPRI की माने तो पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 130 से 140 एटमी हथियार हैं। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, यानी कि थल सेना पर। भारत की थल सेना में 12 लाख सैनिक हैं, जो 3,565 युद्धक टैंक, 3,100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 336 बख्तरबंद पर्सनल कैरियर और 9,719 आर्टिलरी से मजबूत है, जबकि पाकिस्तानी थल सैनिकों की संख्या भारत से काफी कम है।
5,60,000 सैनिक क्षमता वाली थल सेना के पास 2,496 टैंक, 1,605 बख्तर बंद पर्सनल कैरियर, 4,472 आर्टिलरी गन है, जिसमें स्वप्रेरित 375 होविट्जर भी शामिल है। IISS की रिपोर्ट की माने तो इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी भारतीय थल सेना लॉजिस्टिक्स, रखरखाव, युद्ध सामग्री और स्पेयर पार्ट की कमी से जूझ रही है। अब आते हैं एयरफोर्स पर, इसमें किसकी क्या मौजूदगी है। वायुसेना 12,07,200 सैन्य कर्मियों वाली भारत की वायुसेना में 814 लड़ाकू विमानों से लैस है। सैन्य क्षमता बड़ी होने के बाद भी इसकी चिंता इसकी फाइटर जेट फ्लीट है। भारत को अभी 42 हवाई बेड़े की जरूरत है, यानी चीन और पाकिस्तान से दो तरफा लड़ाई के लिए 750 विमानों की जरूरत होगी। पुराने रूसी जेट जैसे MiG-21 जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, जिन्हें सबसे पहले 60 के दशक में इस्तेमाल किया गया था। एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक भारत के पास 2032 तक 22 हवाई बेड़े हो सकते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसके पास 425 लड़ाकू विमान है, जिसमें चीन का F-7PG और अमेरिका का F-16 फाइटिंग फॉल्कन जेट शामिल है। इसके पास 7 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 4 ही हैं। अब आते हैं नेवी पर। भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 पनडुब्बी, 15 विध्वंसक, 13 युद्धपोत, 106 पेट्रोल और कोस्टल कॉम्बैट पोत हैं, और साथ ही साथ युद्ध में सक्षम 75 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। भारतीय नौसेना में 67,700 सैनिक हैं, जिनमें मरीन और नेवल एविएशन स्टाफ शामिल है। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी नौसेना अपेक्षाकृत काफी छोटी है। इसके पास 9 युद्धपोत, 8 पनडुब्बी, 17 पेट्रोल और तटीय पोत और युद्ध लड़ने में सक्षम 8 एयरक्राफ्ट हैं। कुल मिलाकर सारे रिकॉर्ड आपके सामने हैं, फिर हर देश कुछ न कुछ छुपा के रखता है। इसमें कई अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट है कि भारत जितना भोला दिखता है उतना भोला है नहीं। अगर भारत को समय मिला तो महज आधे घंटे में पाकिस्तान की जगह पहाड़ और पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। जो भी हो, भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और पाकिस्तान भीख मांगने की ओर। जो भी हो, आंकड़ों और लेखों की बात से ये बात तय है कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी टिकता नजर नहीं आ रहा है। हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य, उनका पराक्रम देश ने देखा है, और हमारे देश में कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे हमारी सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर रत्ती भर भी शक हो। देश को उनके सामर्थ्य और शौर्य पर बहुत बहुत भरोसा है। और मेरे प्यारे देशवासियों, यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है।